10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 10 और क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम गणित विषय में द्विघात समीकरण भाग 1 पढ़ेंगे और हिंदी विषय में अपठित गद्यांश भाग 1 पढ़ेंगे। वहीं क्लास 12 में गणित विषय में सदिश बीजगणित भाग 5 पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान विषय में वैद्युत चुंबकीय तरंगे भाग 1 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और उनके जवाब भी देखेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में ज़रूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी गणित की किताब का 4th अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 द्विघात समीकरण का। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे भूमिका। चलिए शुरू करते हैं भूमिका से। पहले जान लेते हैं द्विघात का अर्थ क्या होता है तथा समीकरण का अर्थ क्या होता है, यानी कि द्विघात समीकरण से हमें क्या समझ आता है। उसके लिए इस बहुपद को देखिए, x वर्ग प्लस 43x माइनस 7। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इस बहुपद की घात 2 है, यानी कि सबसे बड़ी पावर जो है इसकी वो 2 है, तो इसीलिए हम इसको द्विघात कहते हैं। तथा क्योंकि बराबर में 0 है इसलिए हम इसको समीकरण कहते हैं, यानी कोई बहुपद जिसकी घात 2 हो तथा जिसके बराबर में 0 हो या कोई भी संख्या हो, यानी कि जिसके बीच में बराबर का साइन आता हो, इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। यानी कि इसमें कुछ लेफ्ट हैंड साइड यानी दायां पक्ष होगा और राइट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष होगा। तो आशा है आपको द्विघात समीकरण का अर्थ समझ आया होगा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, घात 2 होना तथा बराबर का साइन। अब देखते हैं परिभाषा। आपने विभिन्न प्रकार के बहुपदों का अध्ययन किया है, उदाहरणार्थ रैखिक। रैखिक बहुपद कौन से होते हैं? जैसे 2x प्लस 1 माइनस 4x प्लस 6, यानी कि वो बहुपद जिसकी घात 1 हो। इसी के साथ द्विघात यानी कि जिसकी घात 2 हो, जैसे कि x वर्ग प्लस 43x माइनस 7, 2 गुने में x वर्ग माइनस 3x प्लस 1, त्रिघात यानी कि जिसकी घात 3 हो, जैसे एग्जाम्पल है x घन प्लस x वर्ग माइनस 5x। दूसरा एग्जाम्पल है x घन माइनस x वर्ग प्लस 3x माइनस 11 इत्यादि। जब हम द्विघात बहुपद को, जो ये दो बहुपद हैं, द्विघात बहुपद को 0 के तुल्य कर देते हैं, यानी बराबर में हम 0 लगाते हैं इसको, तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। तो इसका अर्थ क्या है? जो द्विघात बहुपद आपने पढ़ा होगा 9वीं कक्षा में, उस बहुपद में अगर हम बराबर का साइन लगा दे और उसके बराबर में 0 रख दे तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। परिभाषा क्या है? कोई भी समीकरण px बराबर 0, जहां px घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी कोई भी बहुपद जिसकी घात 2 हो तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा और बराबर में अगर हम 0 लगा दे तो वो द्विघात समीकरण हो जाता है। जैसे इसको देखिए, px बराबर में ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0,
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी घात कितनी है, दो, तथा बराबर में क्या है इसके, शून्य। तो ये हो जाएगा एक द्विघात बहुपद। अब चर x में एक द्विघात समीकरण, यानी यहाँ पर चर क्या है, x। जरूरी नहीं है चर हमेशा x हो, यहाँ पर हम इन पर्टिकुलर चर x ले रहे हैं। हो सकता है कि समीकरण py भी हो, pz भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम एक केस ले तो चर x में एक द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर शून्य के प्रकार की होती है, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। यानी इसमें जो आप a, b और c देख रहे हैं उस प्रकार की संख्या होगी वास्तविक संख्या, तथा a का मान शून्य के बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर a का मान शून्य के बराबर हो जाता है तो a x वर्ग से गुना होकर के शून्य हो जाएगा, और इस प्रकार हमें रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, वो द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। जिसे उदाहरण देखते हैं, 2 गुने में x का वर्ग प्लस x माइनस 16 बराबर 0, 1 माइनस x स्क्वायर यानी x का वर्ग प्लस 300 बराबर 0, 2 गुने x का वर्ग माइनस 3x यानी कि माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो ये है द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल। इसमें है क्या मेन चीज, एक तो ये कि x स्क्वायर के साथ जो गुणांक है a, वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। साथ ही जो वेरिएबल है, चर है यहाँ पर, उसकी घात कितनी होगी, दो। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, पहले में 2 गुने में x स्क्वायर, फिर x है, फिर 16 है, दूसरे वाले में पहले 1 है, फिर x का वर्ग है। तो यहाँ से हमारे पास एक ये चीज आती है कि क्या हम हमेशा x वर्ग को सबसे पहले, फिर x को, और फिर अचर संख्या को लिखते हैं, या आगे पीछे भी लिखते हैं। तो हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, वो भी एक द्विघात समीकरण होगा। पर जब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले वर्ग वाली संख्या, फिर उसके बाद जिसके पावर एक है, और उसके बाद अचर संख्या, यानी x वर्ग सबसे पहले, फिर x, फिर उसके बाद अचर संख्या, तो इसको कहते हैं समीकरण का मानक रूप। समीकरण के मानक रूप की परिभाषा क्या है, जब हम px बराबर शून्य के पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं, घात जो सबसे पहले 2, फिर 1, फिर शून्य, इस क्रम में लिखते हैं, तो हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है, अर्थात ax का वर्ग प्लस px प्लस c बराबर 0, जहां a शून्य के बराबर नहीं है। तो इसको हम मानक रूप कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसको आगे पीछे लिखें तो वो समीकरण तो रहेगा, पर वो उसका मानक रूप नहीं। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमें ये बताना है कि नीचे दी हुई जो समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके लिए हम इसको हल करेंगे, फिर देखेंगे। पहला उदाहरण है x माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 बराबर 2 गुने x माइनस 3। दूसरा एग्जाम्पल है x गुने में x प्लस 1 यानी x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 गुने में x माइनस 2। तो इसको हम हल करेंगे। करते हैं पहला क्वेश्चन। बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2 का वर्ग प्लस 1। तो x माइनस 2 को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम लगाएंगे, इसको हल करेंगे। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर यानी x माइनस 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा x स्क्वायर यानी x का वर्ग माइनस 4x प्लस 4 प्लस में 1। अब इसके हम समान पद को जोड़ें तो ये हो जाएगा x वर्ग माइनस 4x प्लस 5। इसलिए हम x माइनस 2 वर्ग प्लस 1 बराबर 2 गुने में x माइनस 3 को x वर्ग माइनस 4x प्लस 5 बराबर 2 गुने x माइनस 3 लिख सकते हैं।
अब हम इसमें समान पद को साथ में जोड़े और घटाएं तो ये आ जाएगा x वर्ग माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो अब इसको आगे हल नहीं किया जा सकता है, यानी आगे हम इसको जोड़ घटा करके हल नहीं कर सकते। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x की घात क्या है 2, तथा यहाँ पर बराबर ये भी साइन है, यानी ये है ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का। इसलिए हम कहेंगे कि दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगले को अगर हम हल करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, x गुने में x प्लस 1 प्लस में 8। अब बाहर वाले x से अगर हम x प्लस 1 को गुना करें तो ये आ जाएगा x वर्ग प्लस x प्लस 8। इस तरीके से राइट हैंड साइड वाले को हल करते हैं। राइट हैंड साइड पर क्या था, x प्लस 2 गुने में x माइनस 2। तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगा सकते हैं हम। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये आ जाएगा x का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, यानी कि 4। अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। तो हम x गुने में x जमा 1 यानी x गुने में x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 गुने में x माइनस 2 को x वर्ग प्लस x प्लस 8 बराबर x वर्ग माइनस 4 लिख सकते हैं। अब अगेन हम इसको आगे हल करें तो अब देख रहे हैं बाएं पक्ष में x का वर्ग है और दाएं पक्ष में भी x का वर्ग है, ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम x वर्ग को लेके जाते हैं तो पहले वाले x वर्ग से घट करके शून्य के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया x प्लस 12 बराबर 0। यानी अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बराबर का साइन तो है, यानी ये समीकरण तो है, पर x की घात क्या है, यहाँ पर x की घात है 1। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ऑल्दो ये समीकरण है। तो यह a गुने x वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो चीजें क्या थी, एक तो बराबर का साइन होना चाहिए और दूसरा क्या है, घात 2 होनी चाहिए। बराबर का साइन है इसलिए समीकरण है, और घात 2 नहीं है इसलिए द्विघात नहीं है, इसलिए एक द्विघात समीकरण नहीं है। इस वीडियो में हमने सीखा भूमिका, यानी एक द्विघात समीकरण क्या होता है, जो कि a गुने में x वर्ग प्लस b गुने में x प्लस c बराबर 0 के। हम अगली वीडियो में गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल सीखेंगे। इसका मतलब क्या है, अभी वाली वीडियो में हमने ये देखा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड मेथड द्वारा कैसे हल करेंगे। और हल करने का अर्थ क्या होता है कि जो x है द्विघात समीकरण में, उस x का मान निकालना, ऐसा मान निकालना ताकि जब हम समीकरण में x को प्रतिस्थापित करें उस पर्टिकुलर मान से, तो जो आंसर हो वो 0 के बराबर आ जाए। तो ये हम सीखेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप 4.1 एक्सरसाइज हल करें, तथा उससे पहले के जितने भी उदाहरण हैं उनको हल करें। धन्यवाद।
नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के अपठित बोध पर आधारित अपठित गद्यांश को किस प्रकार हल करेंगे, इस पर चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखें, क्योंकि प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न इसी प्रसंग से संबंधित होता है। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या कुछ जान पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपठित गद्यांश का अर्थ, कि अपठित और गद्यांश इन दोनों का अर्थ क्या होता है। इसके बाद हम प्रश्नों के प्रकार और उसे हल करने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आप सभी ने अपठित गद्यांश कभी ना कभी हल किया ही होगा, किंतु आपको यह भी महसूस हुआ होगा कि इसे हल करने में काफी समय लग जाता है, किंतु अगर किसी विशेष विधि का प्रयोग करते हुए इसे हल किया जाए तो इसमें बिल्कुल समय नहीं लगता और यह अंक प्राप्त करने के लिए सबसे सरल प्रकरण है। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या कुछ विशेष जानने वाले हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले यह जानते हैं कि अपठित गद्यांश हमसे पूछा क्यों जाता है। दरअसल भाषा के कुछ कौशल होते हैं, यानी लैंग्वेज स्किल होती हैं। यदि आप कहते हैं कि आपको हिंदी भाषा आती है, तो आपको हिंदी भाषा से संबंधित कुछ चीजें आनी चाहिए, जैसे भाषा को सुनना, भाषा को बोलना, भाषा को पढ़ना तथा भाषा को लिखना। ये चार ही भाषा कौशल हैं, और जिस कौशल को आधार बनाकर हमसे अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, वह कौशल है पढ़ना और उसे समझना। इस वीडियो में हम भाषा कौशल के इसी विषय पर चर्चा करेंगे, साथ ही इस प्रश्न में आपसे इसी कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इसी कौशल को जांचने के लिए आपसे अपठित बोध के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब विद्यार्थियों, हम बहुत बार अपठित शब्द का प्रयोग कर चुके हैं, क्या आप बता सकते हैं कि अपठित का अर्थ क्या होता है? आइए जानते हैं अपठित का अर्थ क्या होता है। अपठित शब्द अ उपसर्ग और पठित शब्द से बना है। आ का अर्थ होता है बिना और पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ, यानी बिना पढ़ा हुआ अपठित होता है, जिसे कभी पहले ना पढ़ा गया हो। किंतु विद्यार्थियों, जो प्रश्न पत्र बना रहा है उसे यह बात कैसे पता है कि आपने वह गद्यांश जिसे वह प्रश्न पत्र में देने वाला है उसे पढ़ा है या नहीं? दरअसल जो प्रश्न पत्र बना रहा होता है वह यह मानकर चलता है कि आपने अब तक जितनी पाठ्य पुस्तकें पढ़ी हैं वे आपके लिए पठित हैं। उसके अलावा जो कुछ निबंध, समाचार पत्रों में छपने वाले आर्टिकल और अन्य किसी पुस्तक में छपने वाले प्रसंग, घटनाएं, कहानियां, लेख इत्यादि आपके लिए अपठित हैं। इसीलिए अपठित जो गद्यांश होते हैं, अपठित पद्यांश होते हैं या अपठित बोध होते हैं, उसका तात्पर्य उन अपठित टेक्स्ट से होता है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल नहीं हो। अब अपठित बोध कितने प्रकार के होते हैं? अपठित बोध दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गद्यांश और दूसरा होता है पद्यांश, जिसे हम काव्यांश भी कहते हैं। इस वीडियो में हम गद्यांश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न पत्र में गद्यांश को हल करने में ही सबसे अधिक समय लगता है। आइए जानते हैं कि गद्यांश का अर्थ क्या होता है। दरअसल जब आपने प्रश्न पत्र को देखा होगा तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया हुआ प्रश्न उपस्थित होगा। इसे ही गद्यांश बोलते हैं, यानी किसी गद्य का अंश जिसे पहले ना पढ़ा गया हो उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। आइए अब हम अपठित गद्यांश को हल करने की विधि जानते हैं।
अपठित गद्यांश वाले प्रश्न में करना क्या होता है? दरअसल अपठित गद्यांश का प्रश्न जो है वह कुछ इस प्रकार होता है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और फिर आपको एक गद्यांश दे दिया जाता है। इस गद्यांश में भी पहले गद्यांश होता है और उसके बाद गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और आप सभी को इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। और सच में इसका उत्तर देना बहुत आसान है क्योंकि प्रश्नों का उत्तर प्रश्न पत्र में ही लिखा होता है। आइए जानते हैं किस प्रकार प्रश्न पत्र से ही इन प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं। प्रश्न पत्र के इन प्रश्न को समझने के लिए हमें जान लेना चाहिए कि कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं अपठित बोध पर आधारित। अपठित बोध पर आधारित सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जा सकता है वो है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य या फिर 30 शब्दों के मध्य दिया जाता है। विद्यार्थियों ध्यान रहे कि हमें उत्तर लिखते समय न तो किसी विशेष तथ्यों का प्रयोग करना है और ना ही हमें आने वाली जानकारी को इसमें डालना है। हमें सिर्फ तथ्यों को आधार बनाकर ही उत्तर लिखने हैं। दूसरा प्रश्न होता है MCQ। आप सभी ने MCQ प्रश्नों को हल किया होगा। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पात्मक प्रश्न। इसमें आपको एक प्रश्न दिया जाता है और उससे संबंधित चार विकल्प दे दिए जाते हैं। उन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प उपयुक्त उत्तर होता है। आप उसे चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि दोनों प्रकार के प्रश्नों को हल करना बहुत ही सरल है। तो आइए जानते हैं अपठित गद्यांश हल कैसे करें। अपठित गद्यांश को हल करने से पहले हमें कुछ चरणों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला चरण है कि अपठित गद्यांश को पढ़ने से पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को पढ़ लें और समझ लें कि आपको किस किस प्रकार के तथ्यों की आवश्यकता होगी। उसके बाद उन प्रश्नों को ध्यान में रखकर गद्यांश को पढ़ें और पढ़ते हुए गद्यांश के महत्वपूर्ण स्थलों को रेखांकित कर लें। तीसरे चरण में गद्यांश को पढ़ने के बाद प्रश्नों को लिखने की योजना तैयार करें, यानी जब आप गद्यांश में महत्वपूर्ण स्थलों को रेखांकित कर चुके हैं इसके बाद आप प्रश्नों को पढ़ें और उत्तर लिखने की योजना तैयार करें और सावधानी पूर्वक उत्तर लिखें। अब सावधानी किस प्रकार की बरतनी चाहिए आइए जानते हैं। उत्तर लिखते समय हमें कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला यह कि प्रश्नों और गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उत्तर अपने शब्दों में लिखना चाहिए, ना कि गद्यांश के अंश को उठाकर ही उत्तर बना देना चाहिए, वह गलत होगा। गद्यांश के वाक्यों को ज्यों का त्यों नहीं लिखना चाहिए और गद्यांश को हल करते समय समय का ध्यान रखना चाहिए, यानी अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। 2-4 बार गद्यांश अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस पे आपका अधिक समय लगेगा, इसीलिए आपको ऐसी विधि सोचनी चाहिए जिसमें आपका समय कम लगे। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। विद्यार्थियों हमने जाना कि अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है। अपठित गद्यांश वे गद्यांश होते हैं जिसे पहले कभी ना पढ़ा गया हो और वह हमारे पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं होता। दूसरा हमने जाना कि अपठित गद्यांश को कैसे हल किया जा सकता है। अपठित गद्यांश में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसको हल करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स या चरण को फॉलो करना है यह हमने जाना कि पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर गद्यांश को पढ़ते हुए रेखांकित करेंगे और फिर प्रश्नों की योजना तैयार करके सावधानी पूर्वक उत्तर लिखेंगे। इसके बाद हमने जाना कि अपठित गद्यांश को हल करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, यानी अपठित गद्यांश में हमें अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। गद्यांश को हल करते समय गद्यांश के वाक्यों को ज्यों का त्यों उत्तर के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हमने यह जाना
कि उत्तर स्पष्ट और सरलता पूर्वक व्यक्त हो जाने वाला होना चाहिए। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपने अपठित गद्यांश के विषय में बहुत सी जानकारी एकत्र कर ली होगी। आप घर जाकर गद्यांशों को हल करने का प्रयास कीजिए। अगली वीडियो में हम गद्यांशों को हल करके देखेंगे कि किस प्रकार गद्यांशों को सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सदिश बीजगणित का भाग 5 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश तथा खंड सूत्र के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दो सदिशों का गुणनफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, दो सदिशों का गुणनफल हम दो प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहला होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दूसरा होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करने के लिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम दो शून्येतर सदिशों को लेंगे। मान लीजिए हमने शून्येतर सदिश A तथा B को लिया है। इन दोनों का अदिश गुणनफल हम कुछ इस प्रकार से निर्दिष्ट करते हैं, जो कि होता है मॉड A सदिश मॉड B सदिश कॉस थीटा के रूप में। ये है हमारे दो सदिश। इन दोनों सदिश के बीच में जो कोण बन रहा है वो होता है थीटा। यानी कि ये जो हम अदिश गुणनफल कह रहे हैं, ये है हमारा स्केलर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर डॉट प्रोडक्ट हम कैसे ज्ञात करेंगे? स्केलर डॉट प्रोडक्ट हम ज्ञात करेंगे किसी दो वेक्टर का यूजिंग द फॉर्मूला मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा के रूप में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो थीटा है वो हमारे दोनों वेक्टर के बीच का कोण है, जो कि शून्य से लेकर पाई तक के बीच में होगा। अगर हमारा एक वेक्टर तथा दूसरा वेक्टर शून्य हो जाता है तो हमारा थीटा परिभाषित नहीं होगा और इस स्थिति में हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होगा दोनों वेक्टर का वो शून्य से परिभाषित होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक अर्थात आधारभूत जानकारी डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो एक बार फिर से इसे रिकॉल करते हैं। जब आपको किसी दो वेक्टर का स्केलर डॉट प्रोडक्ट अर्थात अदिश गुणनफल ज्ञात करने को कहा जाए तो वो आप ज्ञात करेंगे मॉड पहला वेक्टर मॉड दूसरा वेक्टर कॉस थीटा से। आइए अब इनके कुछ डिटेल्ड रिजल्ट देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि हमने इससे प्राप्त किया है इनके डॉट प्रोडक्ट से, वो है कि a डॉट b एक वास्तविक संख्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मॉड a अगर है तो वो एक वास्तविक संख्या ही होगी, मॉड b जब आप ज्ञात करेंगे तो वो भी एक वास्तविक संख्या होगी, और जो cos थीटा आएगा हमारा वो भी एक वास्तविक संख्या होगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b जब आप ज्ञात करेंगे तो वो भी एक वास्तविक संख्या ही होगी। यहाँ से हमें एक और गुणधर्म प्राप्त होता है, जो कि है कि हमारा जो अदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय होता है अर्थात क्यूमुलेटिव होता है, जिसका कि अर्थ है कि जब आप, मान लीजिए हमने कोई दो वेक्टर लिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे अर्थात अदिश गुणनफल ज्ञात करेंगे तो वो आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आप जब डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे बी तथा ए वेक्टर का। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे बिंदु की ओर, जो कि कहता है मान लीजिए कि सदिश A और सदिश B दो शून्येतर सदिश हैं, तब सदिश A डॉट सदिश B बराबर शून्य होगा यदि और केवल यदि सदिश A और सदिश B परस्पर लंबवत है, अर्थात सदिश A डॉट सदिश B बराबर शून्य होगा तब इसका केवल एक कारण होगा कि हमारा जो सदिश A है वो परपेंडिकुलर है सदिश B के, क्योंकि
क्योंकि पहला कारण है कि ए या बी इन दोनों में से कोई भी वेक्टर आपका शून्य होगा। दूसरा कारण है कि जो आपका कॉस थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा, और अगर आपका थीटा 90 डिग्री होगा इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले रिजल्ट की ओर, जो कि है यदि थीटा शून्य है तब सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर होगा मॉड सदिश ए मॉड सदिश बी के। इसी प्रकार से एक और रिजल्ट आपके सामने आएगा, जब आप सदिश ए डॉट सदिश ए करेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा ये मॉड सदिश ए स्क्वायर के, क्योंकि इस स्थिति में हमारा जो थीटा है वो शून्य है। इसी प्रकार से हमारा एक और रिजल्ट है कि यदि अगर थीटा पाई है तब हमारा जो दोनों सदिश का डॉट प्रोडक्ट आता है वो आएगा हमारा घटा मॉड ए मॉड बी वेक्टर के। तो यहाँ से आपको एक और रिजल्ट प्राप्त होगा, अगर आप दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं तो सदिश ए डॉट सदिश घटा ए की, तो वो आपको प्राप्त होगा घटा मॉड ए सदिश का स्क्वायर। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस स्थिति में जो हमारा थीटा होगा वो पाई के बराबर होगा। इसी प्रकार से हमारे कुछ और रिजल्ट हैं, जो कि हैं कि अगर सदिशों i कैप j कैप एवं k कैप से हम ये पाते हैं कि जो हमारा i कैप डॉट i कैप होता है वो बराबर होता है 1 के, इसी प्रकार से जो हमारा j कैप डॉट j कैप होता है वो भी बराबर होता है 1 के, तथा k कैप डॉट k कैप भी बराबर होता है 1 के। लेकिन इसके साथ साथ एक और रिजल्ट है, जो कि है कि जब आप i कैप डॉट j कैप करेंगे तो वो आपको शून्य प्राप्त होगा, इसी प्रकार से जब आप j कैप डॉट k कैप करेंगे तो वो भी आप शून्य प्राप्त होगा, तथा जब आप k कैप डॉट i कैप करेंगे तो वो भी आपको शून्य प्राप्त होगा। इसके बाद हमारा जो अगला रिजल्ट है कि हम दो सदिश के बीच का कोण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। दो शून्येतर सदिशों ए तथा बी के बीच का कोण हम ज्ञात करते हैं कॉस थीटा बराबर सदिश ए डॉट सदिश बी बटे मॉड सदिश ए मॉड सदिश बी से, जहां से कि हमें थीटा प्राप्त होता है कॉस प्रतिलोम सदिश ए डॉट सदिश बी बटे मॉड ए सदिश मॉड बी सदिश। तो दोस्तों इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखें क्योंकि इसका हम प्रयोग करेंगे प्रश्नों को हल करने में। आइए अब एक इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न कहता है यदि सदिश ए है i कैप योग j कैप घटा k कैप और सदिश b है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, तो इन दोनों सदिश का डॉट प्रोडक्ट अर्थात अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए तथा इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कि हम इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करने के लिए हम पहले इन दोनों सदिश को लिखकर इनका प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे। तो जब आप इनका प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा i कैप डॉट i कैप प्लस i कैप डॉट j कैप प्लस i कैप डॉट k कैप प्लस j कैप डॉट i कैप माइनस j कैप डॉट j कैप प्लस j कैप डॉट k कैप माइनस k कैप डॉट i कैप प्लस k कैप डॉट j कैप माइनस k कैप डॉट k कैप। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक रिजल्ट में हमने बताया था कि जब आपके पास i कैप डॉट i कैप हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, जब आपके पास j कैप डॉट j कैप हो तो उसकी वैल्यू भी हो जाती है 1, तथा जब आपके पास k कैप डॉट k कैप हो तो उसकी वैल्यू भी हो जाती है 1। लेकिन जब आपके पास i कैप डॉट j कैप तथा j कैप डॉट k कैप तथा k कैप डॉट i कैप हो तो इन सभी की वैल्यू हो जाती है 0। तो दोस्तों इसे हल करने के बाद आपको यहाँ से ये जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 1-1-1, जिसे आप और हल करेंगे तो आपको वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्राप्त होगा -1। अर्थात डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का सिंपल एक और वे है जिसमें कि आप सीधे जो स्केल कंपोनेंट है दिए गए आपके वेक्टर का उसे मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। अब इस प्रश्न का एक भाग आपने कंप्लीट कर लिया है, जो कि है इनका डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करना। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं इनके बीच का कोण। तो इनके बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो है कॉस थीटा बराबर
इन दोनों सदिश का डॉट प्रोडक्ट बटे मॉड ए सदिश मॉड बी सदिश, जहां पर जब आप इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा घटा एक बटे तीन। यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी कॉस प्रतिलोम घटा एक बटे तीन। तो देखा आपने दोस्तों कि किस प्रकार से इन सभी रिजल्ट्स को जो अभी आपने देखा उसका आप यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तथा डॉट प्रोडक्ट को आसानी से ज्ञात करके उनके बीच का कोण ज्ञात करने में। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ इनके महत्वपूर्ण गुणधर्म। तो दोस्तों अदिश गुणनफल के दो महत्वपूर्ण गुणधर्म है। पहला है, मान लीजिए सदिश ए सदिश बी और सदिश सी तीन सदिश हैं, तब सदिश ए डॉट सदिश बी योग सदिश सी बराबर होगा सदिश ए डॉट सदिश बी योग सदिश ए डॉट सदिश सी के। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो कि आपने अलजेब्रा में बहुत पढ़ा होगा और इसे यूज भी किया होगा। तो ये यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को फाइंड करने में भी ट्रू है। आइए एक और गुणधर्म देखते हैं जो कि कहता है, मान लीजिए सदिश ए और सदिश बी दो सदिश हैं और लेमडा एक अदिश है। तो ऐसे केस में या तो आप लेमडा को सदिश ए के साथ लेकर उसका डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करिए सदिश बी से, तो वो भी आपको उतना ही प्राप्त होगा जितना कि आप लेमडा को लेकर सदिश बी के साथ और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे सदिश ए के साथ, या फिर आप लेमडा को बाहर रखकर सदिश ए और सदिश बी का डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे तो भी वो उतना ही मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये कुछ गुणधर्म है अदिश गुणनफल के। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर जो कि है, एक सदिश का किसी रेखा पर सात प्रक्षेप, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। तो आइए समझते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन को। तो दोस्तों सपोज हमारे पास कोई एक लाइन है L जिसे हमने वेक्टर B लिया है और ये कोई वेक्टर है वेक्टर A जिसे हमने AB वेक्टर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या ये जो हमने वेक्टर लिया है इसका प्रोजेक्शन यहाँ हमारे लाइन L पर क्या आएगा? प्रोजेक्शन जैसा कि आप सब जानते हैं जो कि होता है जब पैरेलल लाइट रेज इस पे पड़ रही हो। तो जब इस पे पैरेलल लाइट रेज पड़ रही होंगी तो वेक्टर AB का क्या प्रोजेक्शन आएगा यहाँ पर, आइए इसे जानते हैं। तो ये जो लाल रेखा आप देख रहे हैं लाइन L पर, ये होगी हमारी AB वेक्टर की प्रोजेक्शन लाइन L पर, जिसे हमने नाम दिया है AC वेक्टर अर्थात P वेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे AC की लेंथ होगी वो कहलाएगी हमारी प्रोजेक्शन और जो हमारा AC वेक्टर है अर्थात P जो वेक्टर है ये कहलाएगा हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर। तो दोस्तों फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से हम AC की लेंथ फाइंड करेंगे। तो दोस्तों AC की लेंथ फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है हमारा मॉड ऑफ AB वेक्टर इनटू कॉस थीटा, और साथ ही प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है कि हमारा जो वेक्टर A है उसका मॉड लेकर उसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना, थीटा जो कि हमारे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो दोस्तों AB वेक्टर का L पर प्रक्षेप एक सदिश P वेक्टर है जिसका परिमाण मॉड AB वेक्टर कॉस थीटा है। सदिश P को प्रक्षेप सदिश कहते हैं और इसका परिणाम मॉड P निर्दिष्ट रेखा L पर सदिश AB का प्रक्षेप कहलाता है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है ये बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्या इनका प्रक्षेप कहलाता है और क्या यहाँ पर प्रक्षेप सदिश कहलाता है, जिसे ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है अर्थात जो सूत्र होता है वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए दोस्तों अब कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों रेखा L के अनुदिश अगर ये जो P कैप है वो हमारा मात्रक सदिश है तो रेखा L पर सदिश A का प्रक्षेप अर्थात प्रोजेक्शन सदिश A डॉट P कैप से प्राप्त होगा। यानी कि अगर हमारा P कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है तो उसका प्रोजेक्शन हम फाइंड करेंगे, जो हमारा वेक्टर दिया गया है उसका प्रक्षेप हम फाइंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला A वेक्टर डॉट P कैप से। इसी के साथ एक और बात की जानकारी हमें दी जा रही है कि एक सदिश A का दूसरे सदिश B पर
प्रक्षेप सदिश ए डॉट बी कैप अथवा सदिश ए डॉट मॉड बी सदिश गुने ए सदिश डॉट बी सदिश से प्राप्त होता है। यानी कि अगर आपसे एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रोजेक्शन अर्थात प्रक्षेप ज्ञात करने को कहा जाए तो वो आप इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे जो कि होगा सदिश ए गुने बी कैप। बी कैप जैसा कि आप सब जानते हैं ये होगा आपका एक यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो होता है जो आपका वेक्टर है वो बटे उस वेक्टर का मॉड्यूलस, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बी कैप है वो बराबर होगा सदिश बी बटे मॉड ऑफ बी वेक्टर के। इसी प्रकार से आप उसका प्रोजेक्शन ज्ञात करेंगे। आइए अब इनके कोण के बारे में जानते हैं। यदि थीटा आपके शून्य के बराबर है तो ए बी वेक्टर का प्रक्षेप सदिश स्वयं ए बी वेक्टर होगा, और यदि थीटा शून्य है तो ए बी वेक्टर का प्रक्षेप सदिश बी ए वेक्टर होगा। इसी प्रकार से अगर थीटा पाई बटे दो अथवा 3π/2 है तो ए बी वेक्टर का प्रक्षेप सदिश शून्य सदिश होगा। तो दोस्तों इसी के साथ प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन हमारा समाप्त होता है। इस पर आधारित बहुत से प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा दो सदिशों का गुणनफल। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगों के पहले भाग की। इस भाग में हम समझेंगे विस्थापन धारा को, जिसके बाद समझेंगे मैक्सवेल द्वारा दिए गए समीकरणों को। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आज के विषयों को शुरू करने से पहले जरा एक बार दोहरा लेते हैं अध्याय 4 में बताए गए एम्पियर के परिपथीय नियम को, जिसके अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बंद परिपथ के लिए पार्श्व समाकल पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र B का पार्श्व समाकल यानी B.dl बराबर होगा म्यू नॉट गुणा I के। दोस्तों एम्पियर द्वारा दिया गया ये नियम लगभग हर जगह सही था, लेकिन जब हम परिपथ के अंदर एक संधारित्र लगाते हैं तो ये नियम इस परिपथ के साथ कुछ अनिश्चितता दर्शाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मानना था कि किसी भी संधारित्र के अंदर उसकी प्लेट के बीच में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, और हम ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए किसी चालक पदार्थ की जरूरत होती है, जबकि संधारित्र की प्लेट के बीच में कोई भी चालक उपस्थित नहीं होता। मतलब ऐसे किसी परिपथ में अगर हम बैटरी को एक चालक से ही प्रतिस्थापित कर दें तो संधारित्र अनावेशित होना शुरू करेगा, यानी कि इसकी धनात्मक प्लेट से पूरा आवेश चालक के माध्यम से ऋणात्मक प्लेट पर चला जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसकी किसी एक प्लेट को बंद करने वाले किसी पृष्ठ की कल्पना कुछ इस तरह करें जिसमें S1 पृष्ठ चालक के ऊपर है जबकि S2 पृष्ठ प्लेट को बंद करता है, तो यहाँ पर S1 पृष्ठ के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करें
तो क्योंकि चालक के अंदर कुछ धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रवाहक धारा कहा जाता है और इसी धारा की वजह से चालक के इर्द गिर्द में एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा जिसका पार्श्व समाकल धारा आईसी के म्यू नॉट गुना होगा। लेकिन अगर हम दूसरे पृष्ठ एस टू की बात करें तो क्योंकि इस पृष्ठ से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यानी यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा और इसी कारण पृष्ठ एस टू के लिए चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल हो जाएगा शून्य। लेकिन दोस्तों जब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इन प्लेटों के बीच एक चुंबकीय कंपास रखकर देखा तो उन्होंने पाया कि कंपास की सुई विस्थापन दर्शाती है जो इस बात को सिद्ध करता था कि प्लेटों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। बस यहीं से संकल्पना आई विस्थापन धारा की। मैक्सवेल ने इस अवलोकन से एम्पियर के परिपथीय नियम को संशोधित किया और उन्होंने कहा कि प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र प्लेटों के ही बीच उपस्थित समय के साथ बदलने वाले विद्युत क्षेत्र की वजह से होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्लेटों के समांतर होती है जबकि विद्युत क्षेत्र के लंबवत। और जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति उस क्षेत्र में विद्युत धारा की उपस्थिति को भी सिद्ध करती है यानी कि इन प्लेटों के बीच भी एक विद्युत धारा उपस्थित होती है जिसे ID से दर्शाया जाता है और जो कही जाती है विस्थापन धारा। इसका मतलब कि एक ऐसा परिपथ जिसमें संधारित्र उपस्थित हो उसमें सिर्फ प्रवाहत्व धारा ही नहीं विस्थापन धारा भी होती है यानी कि परिपथ में कुल धारा प्रवाहत्व और विस्थापन धारा का योग होती है। बस मैक्सवेल ने प्रवाहत्व धारा के साथ विस्थापन धारा को जोड़कर एम्पियर के परिपथीय नियम की अनिश्चितता को दूर किया था। अब अगर हम बात करें विस्थापन धारा के मान की तो ये धारा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बनती है इसलिए इसका मान होगा प्रेरित धारा के बराबर यानी कि ID बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डीटी के। दोस्तों जहां पर फाई ई विद्युत फ्लक्स है और डी फाई ई बटे डीटी विद्युत फ्लक्स में समय के साथ आए बदलाव को दर्शाता है। तो ऊपर वाले समीकरण में यदि हम ID का मान रखें तो चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल आता है म्यू नॉट ब्रैकेट IC जमा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डीटी। अब अगर हम पहले जैसे S1 पृष्ठ के लिए बात करें तो वहां सिर्फ प्रवाहक धारा उपस्थित होगी जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल आएगा म्यू नॉट IC। और अगर हम पृष्ठ S2 की बात करें तो वहां सिर्फ विस्थापन धारा उपस्थित होगी जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल आएगा म्यू नॉट ID। आइए अब बात करते हैं मैक्सवेल के समीकरण की। दोस्तों मैक्सवेल ने अपने संशोधन से ये बात सिद्ध की कि समय के साथ परिवर्तित होता विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है और यहीं से जन्म हुआ वैद्युत चुंबकीय तरंगों की संकल्पना का। इसके अलावा मैक्सवेल ने वैद्युत और चुंबकत्व से जुड़े नियमों से कुछ समीकरण दिए जो कहे जाते हैं मैक्सवेल समीकरण। इनमें सबसे पहला नियम है स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम जिसके अनुसार किसी भी बंद सतह के माध्यम से कुल विद्युत फ्लक्स हमेशा सतह से घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है यानी कि इंटीग्रेशन E.ds बराबर होगा Q/ε0 के। जबकि दूसरा नियम है चुंबकत्व में गाउस का नियम जिसके अनुसार किसी भी बंद सतह से प्रवाहित होने वाला चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है यानी इंटीग्रेशन B.ds बराबर होता है शून्य।
तीसरा नियम है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसके अनुसार प्रेरित ईएमएफ संख्यात्मक रूप से परिपथ में उत्पादित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर के बराबर है, यानी कि प्रेरित ईएमएफ ई बराबर है इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल, जो बराबर होगा माइनस डी फाइव बी बटे डी टी के, जहां पर डी फाइव बी चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाता है और डी फाइव बी बटे डी टी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर है। अब अंतिम नियम कहा जाता है मैक्सवेल एम्पियर का परिपथीय नियम। इस नियम के अनुसार एक बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल उस बंद पथ से बंधी हुई सतह से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल बराबर होता है म्यू नॉट ब्रैकेट आई सी जमा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी के। तो दोस्तों, हम हमारे आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा विस्थापन धारा को और निकाला इसका मान। इसके बाद जाने मैक्सवेल के द्वारा दिए गए समीकरणों को। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम समझेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति को और जानेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 10 में हमने गणित विषय में द्विघात समीकरण भाग 1 पढ़ा और हिंदी विषय में अपठित गद्यांश भाग 1 पढ़ा। वहीं क्लास 12 में गणित विषय में सदिश बीजगणित भाग 5 पढ़ा और भौतिक विज्ञान विषय में वैद्युत चुंबकीय तरंगे भाग 1 पढ़ा। इन सभी वीडियो पर आधारित हमने रोचक प्रश्नों को भी बनाया। अब देखते हैं दोस्तों कि हम कल क्या पढ़ेंगे। कल हम क्लास 10 में विज्ञान विषय में कार्बन एवं उसके यौगिक भाग 4 पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान विषय में भारत में राष्ट्रवाद भाग 4 पढ़ेंगे। एक ज़रूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण यूट्यूब पर भी किया जाएगा। आप DG7 इकोवेशन YouTube पर सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।